सर ये दोनों वही राइटर है। क्या करूं मैं, हजारों आते हैं लोग, स्क्रिप्ट दिखा मेरे को। सर ये रहा स्क्रिप्ट। किधर है स्क्रिप्ट? इधर सर। अरे देना। इधर सर। अरे दे इस। दूसरे शब्द तो बढ़। सोले। सोले? सोले? अभी किसको पकड़ के लेके आता है? हजार स्क्रिप्ट बनती है, पब्लिक जूते समारे के नहीं चाहिए वो सोले। सर पर इसमें जेल में अंधे हैं। अंधे? 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 सर एक बार सुन तो लीजिए। अरे सुनना क्या है? बना डाल। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। के भाई के मुद्रा भाई साहब, मेरा भाई साहब साला अपन कर रहे थे वे चोर, किस तरफ गया? इस तरफ भागा। रुको, साले को मार मार के गांड फाड़ देता हूं मैं। ओह नो, चोर। ओ भाई साहब। अरे भाई साहब देखो, चोर को मार मार के गांड फाड़ दिया। अरे वो बंदा नहीं है, ये वो बंदा नहीं है। अरे भाई साहब प्लीज सॉरी यार, माफ कर दो। अरे अरे यार मालूम नहीं पड़ा भाई साहब। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे चाचा आप चले जाइए, मैं चला जाऊंगा। अरे बेटा आप ना हमारी फिक्र ना ही करें, क्योंकि इस बुढ़े शरीर में आज भी इतनी ताकत है कि मैं लौंडिया छेड़ दूं। अरे हमें बेटा लौंडिया भाजी से याद आया, आप ना पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, और ये लौंडिया बाजी के चक्कर में बताए ना। और देखो देखो अपना शरीर कितने कमजोर हो गए हो। चाचा आप भी। अरे चाचा ये सब मैंने छोड़ दिया है कब का। अच्छा है लेकिन फिर भी। अच्छा मुझे ये रास्ता बताएंगे क्या? एड्रेस जी पता जी। बताएंगे बताएंगे जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे, ये तो मेरा काम है। दीजिए बताइए ये एड्रेस। ये एड्रेस जी? अरे हाँ। छे क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब इतनी रात हो गई, आप जाएंगे कैसे? रात हो गई है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। भाई साहब ये डायमंड विला कहाँ है? डायमंड विला जी, ये रास्ता देख रहे हैं? ये रास्ता? हाँ, बाएं तरफ पान की दुकान, दाएं तरफ पंचर की दुकान, सीधा पकड़ के निकले जाइए, आप पहुंच जाएंगे। अरे इधर कोई रास्ता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कल तक तो हुआ करता था। अरे इधर जंगल है, जंगल पूरा। जंगल है जी? जंगल है, जंगल है, जंगल है। क्या हो भाई साहब, रो क्यों रहे हो? भाई साहब अब आपको मैं क्या बताऊं, दो दिन पहले मैं निकला था दही लाने के लिए, दो दिन से इधर ही भटक रहा हूँ। आप प्लीज मुझे रास्ते तक छोड़ देंगे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा आइए देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, आइए। अरे बेटा, अरे बेटा अरे तो बेटा बस में ना मोबाइल पे ध्यान देना, क्योंकि बस में बहुत चोरी होती है। हाँ चाचा एक मिनट।
अरे अहमद बेटा वहां। ये क्या हो रहा है रामलाल, क्या हो रहा है? तुमने जितने भी बंदे भेजे उन बंदों में जितना डर ही नहीं था जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। मेरा कहने का मतलब उनमें किसी में भी वो काबिलियत नहीं थी। देखो देखो मुझे वो बंदे चाहिए रामलाल जो चीते की तरह तेज और लौड़े, कहने का मतलब लौड़े की तरह चलाक। ऐसे बंदे चाहिए रामलाल। रामलाल अरे भोसड़ी के रामलाल, भोसड़ी के रामलाल। ये जो कर रहे हो ना, ये मुझे रात को चाहिए रहता है। रात को दिस इज टाइम, वर्किंग टाइम है रामलाल, काम करना है, ऑफिस है ऑफिस। रामलाल हे रामलाल उठो ना, उठो। मुझे बंदे चाहिए, बंदे हमारा काम कर सके। अरे बॉस चिल्ला क्यों रहे हो, अंडा कड़ी खाना है ना? ठीक है मैं 2 अंडे खाऊंगा, आप कितने अंडे खाओगे? रामलाल यही बोला था मैंने, बहरे साले कांडू। बॉस मुझे क्या पता केजीएफ 2 कब रिलीज हो रही है। अरे रामलाल मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ मुझे माफ कर दे। बॉस मैं भी यहाँ पे बैठ नहीं सकता, मुझे बहुत काम है, मैं आता हूँ। कोई तो मुझे चक्कर लगा दो। एड तो छप गया है पर पढ़ के देखते हैं। डायरेक्ट भर्ती फॉर जासूस। अगर आप चीते की तरह तेज और लोमड़ी की तरह चालाक हैं, अगर आपके टूथपेस्ट में नमक और हड्डियों में कैल्शियम है, अगर आप में बहुत ही ज़्यादा ताकत है जो अपने दुश्मनों की गांड फाड़ दे, तो ये नौकरी आपके लिए है। सैलरी 2 लाख रुपया। देखो ये अंदर की बात है। हाँ बॉस मैंने सब देख लिया, ये अंदर की बात है। बहुत मस्त, एक नंबर। रामलाल आज तुमने लुंगी नहीं पहनाई। रामलाल ओ भोसड़ी वाले रामलाल, ओ भोसड़ी वाले रामलाल, रामलाल। बस टेंशन नहीं लेने का, मैं ढूंढ के लाता हूं ना रामलाल को। भोसड़ी वाले रामलाल इनके नमूनों को लेकर आया है। बीरू तुम्हारा पार्टनर जय कहाँ है? अरे बॉस टेंशन लेने का नहीं, अभी अपन ढूंढ के लाता है। भोसड़ी वाले रामलाल किनको उठा लाया? बॉस आप मुझे मिशन बताओ, मैं उनको समझा दूंगा। अच्छा रामलाल ये एक बहुत ही खुफिया मिशन है, एक मोबाइल की खतरनाक ऐप की ढील है। अगर ये ऐप किसी के मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए तो उस मोबाइल से बहुत ही खतरनाक
खटाक आवाज निकलती है और इस आवाज को अगर उस मोबाइल वाले ने सुन ली, मोबाइल वाले का दिमाग कंट्रोल हो जाता है। अरे चचा, आप जमीन पे कैसे गिर गए? सड़ेगे नायक अपने चाचा को पीट पीट के नीचे गिरा दिया और कहता है चाचा कैसे गिरे वाह बेटा वाह। नहीं चाचा, मुझे कुछ याद नहीं है। अब उठिए उठिए चाचा, चलिए चलिए। और उस ऐप का नाम है गब्बर। अगर ये ऐप अपने देश के किसी बड़े दुश्मन के हाथ में लग जाए तो देश के बीच में यूं घमासान भी होने लगता है। रामलाल जाओ, जी और वीरू को समझा दो इस ऐप के डील को रोकना है। बॉस समझ गया, बिरयानी के साथ सेजवान भी चाहिए होता है। मछली वाले रामलाल टूटे रह गए थे, मैं उन दोनों को समझा दूंगा। जा रामलाल। अरे ओ रामलाल, अरे ओ भोसड़ी वाले रामलाल, किधर हो तुम? ओ रामलाल को तो ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। और गब्बर के वायरस से तुमको एक ही इंसान बचा सकता है और वो है खुद गब्बर।